अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये मेरा पहला ब्लॉग है, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो गाइस आज अम्मी ने ब्लॉग में बनाई है चूल्हे पर रोटियाँ। तो गाइस जैसे कि बहुत सर्दी हो रही है, तो सर्दी में मैंने अम्मी से कहा अम्मी आज चलो छत पर चूल्हे पर रोटी बनाते हैं। तो अम्मी बोली चलो रोटी बना लेते हैं चूल्हे पर। तो गाइस हम आए हैं छत पर और चूल्हे में आग जलाई है, देखो कितने अच्छे से आग चल रही है। और फिर अम्मी बनाने लगी रोटियाँ चूल्हे पर। तो गाइस मुझे चूल्हे की रोटियां बहुत पसंद हैं। जैसे ही अम्मी चूल्हे पर रोटियां बनाती हैं, तब भी बनाती हैं, तो मैं हाथ के हाथ गर्मा गर्म रोटियां खाती हूँ। तो गाइस अभी भी मैं ऐसे ही खाऊंगी गर्मा गर्म रोटियां, अम्मी बनाती जाएंगी और मैं खाती जाऊंगी। तो गाइस जैसे कि सर्दियों में चूल्हे पर रोटियाँ बनती हैं, तो इससे एक हमें अच्छा वो मिलता है कि हम हाथ भी ताप लेते हैं। जैसे कि आग बसती है चूल्हे की, तो आग निकाल कर उस पर हाथ ताप लेते हैं और चूल्हे के पास हम बैठ जाते हैं। अम्मी अक्सर रोटी बनाती हैं तो हम बहन भाई चूल्हे के चारों तरफ बैठ जाते हैं और हाथ तापते भी रहते हैं। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज अम्मी चूल्हे पर रोटियां बना रही हैं। तो गाइस ये देखिए रोटी खाने में बहुत टेस्टी होती हैं चूल्हे की, एकदम करारी करारी। तो अम्मी कह रही थी तुझे चूल्हे की रोटियाँ पसंद है ज़्यादा, तो मैं तेरे लिए रोज़ चूल्हे पर ही बना दिया करूँगी। तो गाइस ये मेरी छोटी बहन बैठी है, कह रही है मैं भी खा लेती हूँ रोटी। तो गाइस हमने बनाए थे सुबह आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वही रखी थी हमारी, और हमने गाजर का अचार लाए थे। तो गाजर का अचार लिया और आलू की सब्ज़ी से हमने रोटी खा रहे हैं ऊपर, और अम्मी बना रही हैं। तो गाइस देखिए चूल्हे में कितनी अच्छी आग जल रही है। गाइस कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि चूल्हे में अच्छी आग नहीं जल पाती है, हवा के कारण ज़्यादा धुआं होता है। तो गाइस ये देखिए हमारी आलू की सब्ज़ी और गाजर का अचार। अम्मी इस तरीके से रोटी सेकती हैं हमारी। आज छत पर धूप नहीं थी और हवा भी नहीं थी, तो इसलिए रोटियाँ छत पर बनाने लगी अम्मी। तो गाइस देखिए रोटी बन रही है गरम गरम और हम खाने में लगे हैं। तो गाइस आप सब भी खाना खा लो। तो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।